भारतीय रेल के निजीकरण को लेकर डीआरएम कार्यालय पर हुआ प्रदर्शन। भारतीय रेल के निजीकरण के प्रयासों के खिलाफ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन आंदोलन का आगाज कर चुकी है। इन संस्थाओं से जुड़े रेल कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज अजमेर डीआरएम ऑफिस पर रेल कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रेल कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि भारत सरकार कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की नीयत से रेलवे को निजी हाथों में सौंपने की लगातार कोशिश कर रही है, जिसका सीधा असर रेल कर्मचारियों के साथ ही आम जनता पर भी पड़ेगा। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो कोरोना काल के बाद आम जनता के सहयोग से पूरे देश में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि वह अपने जन विरोधी फैसले को वापस ले। जिस तरीके से देश की सरकार भारतीय रेलों का निजीकरण की ओर अपने तेजी से कदम बढ़ा रही है, उसी के चलते ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने 9 अगस्त अगस्त क्रांति के दिन एक आंदोलन की शुरुआत की थी, रेल बचाओ देश बचाओ। और 9 अगस्त को पूरे देश की रेलों पर जगह जगह विरोध प्रदर्शन करके भारत सरकार रेल के निजीकरण की जिद छोड़ो इस नारे के साथ में प्रदर्शन करने का आंदोलन को शुरू करने का काम किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज 18 अगस्त को पूरी भारतीय रेलवे पर ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के आह्वान पर सभी मंडल मुख्यालय कारखानों पर और प्रमुख प्रमुख स्टेशनों पर रेल कर्मचारी भारतीय रेल के निजीकरण की ओर जो सरकार तेजी से आगे बढ़ने का काम कर रही है, टेंडर नोटिस जारी करके जिस तरीके से पूंजीपतियों को आमंत्रित करने का काम कर रही है, उसके विरोध में ये आज मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर में भोजन अवकाश के दौरान विशाल प्रदर्शन किया गया। और जो टेंडर नोटिस भारत सरकार ने निकाला है उसकी प्रतियां जलाकर हम अपनी आवाज़ को इस देश की सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि यह समझा जाए कि भारतीय रेल का निजीकरण किसी भी दृष्टि से ना तो देश की जनता, आम जनता, गरीब जनता, मध्यवर्गीय जनता के पक्ष में है, ना ही रेल कर्मचारी और तमाम सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में है। इसलिए इस फैसले पर वो अपने कदम वापस ले। इसके अलावा जिस प्रकार से डीए को फ्रीज करने की कार्रवाई की गई है, जिस प्रकार से न्यू पेंशन स्कीम से युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाला गया है, जिस प्रकार से हमारे विभिन्न राष्ट्रीय और जोनल स्तर की मांगों पर अनावश्यक रूप से देरी की जा रही है, और जिस तरीके से कोविड संक्रमण के चलते हुए जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था के हालात अच्छे नहीं है के नाम पर सरकारी कर्मचारी, रेल कर्मचारियों के ऊपर तनाव और भय बनाया जा रहा है, कटौतियां की जा रही हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को आवाज़ देने के लिए, सरकार को जगाने के लिए, सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज का ये विशाल प्रदर्शन पूरी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए किया गया। और हम समझते हैं कि ये एक दो दिन के प्रदर्शन से सब कुछ संभव होने वाला नहीं है। अभी आने वाले समय में हम इस आंदोलन को और तेज करने का काम करेंगे। जैसे ही कोविड की परिस्थितियां सामान्य होंगी, हम इस आंदोलन को केवल रेलवे तक सीमित ना रखकर आम जनता के बीच में ले जाने का काम करेंगे, शहरों तक ले जाने का काम करेंगे, नुक्कड़ गलियाँ और चौराहों तक ले जाने का काम करेंगे। अरुण गुप्ता, मंडल सचिव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन।